From the following information, prepare a summarized balance sheet as at 31st of March 2002. Working capital दिया है, okay? Bank overdraft दिया है. Bank overdraft देखते ही कुछ कुछ याद आता है कि liquid ratio में liquid liability use कर लेना, सर ने ऐसा कहा था. Fixed asset to proprietary ratio, ये कौन सी ratio होती है? Fixed asset upon proprietor fund. Proprietor fund means shareholder fund. Reserve surplus का value दे डाला. करंट रेशियो गिवन है, क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो गिवन है. ये तो उसूल ही बना लो. अगर कभी भी क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल का अमाउंट गिवन हो और करंट रेशियो गिवन हो, दोनों चीजें गिवन हो, तो इट विल बी योर स्टार्टिंग पॉइंट. ये आपका बनेगा स्टार्टिंग पॉइंट. कैसे, आइए देखते हैं. लेट अस गो टू दिस आंसर नंबर थ्री. क्वेश्चन गिव्स यू करंट रेशियो विच इज करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज एंड इट्स गिवन एज 2.5 और ये गिवन है आपको 2.5. क्रॉस मल्टीप्लाई करूं आई कैन से करंट एसेट इक्वल टू 2.5 करंट लायबिलिटी. आई कैन से करंट एसेट इक्वल टू 2.5 करंट लायबिलिटी. और आपको वर्किंग कैपिटल भी गिवन है 2,40,000. और वर्किंग कैपिटल क्या होते हैं? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी. समझिए, वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी. और आपने फॉर्मूला लगाकर करंट रेशियो का करंट एसेट इज इक्वल टू 2.5 सीएल निकाल लिए, तो मैं करंट एसेट में 2.5 सीएल लिख सकता हूं वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूला में. तो यहां से आप देख सकते हैं आपकी करंट लायबिलिटीज की जो वैल्यू है आ जाएगी 1,60,000. करंट लायबिलिटी की वैल्यू आ जाएगी बेटा 1,60,000. यहां तक पहुंचिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं. इसके बाद यूज करते हैं लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला. होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन लिक्विड लायबिलिटीज और ये आपको गिवन है 1.5. लिक्विड एसेट्स अपॉन लिक्विड लायबिलिटी कैसे आ जाएगा? आपको क्या बताया था, करंट लायबिलिटी में से बैंक ओवरड्राफ्ट को माइनस कर देना तो लिक्विड लायबिलिटी आ जाएगा. 160 माइनस 40 कितना? 120. और 1,20,000 इंटू 1.5 अगर मैं कर दूं तो यहां से लिक्विड एसेट्स की वैल्यू बच्चे आ जाती है 1,80,000. आई होप दिस इज क्लियर. लिक्विड एसेट अपॉन लिक्विड लायबिलिटी. अब आपके पास ऑप्शन थे, मैंने पहले भी बताया था, लिक्विड एसेट के डिनोमिनेटर में आप चाहे करंट लायबिलिटी लिख लो चाहे लिक्विड लायबिलिटी. लेकिन अगर बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है तो मैं यही मानता हूं प्रेफरेबल कि आप लिक्विड लायबिलिटी यूज करें. यहां से लिक्विड एसेट्स आ गया 180. अब लिक्विड एसेट निकालने का पर्पज क्या है हमारा? बहुत ही सिंपल सा रीजन है, किसी भी क्वेश्चन में आपको करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो गिवन हो तो उन दोनों से एक ही रिजल्ट आपका पॉसिबल है, स्टॉक. अगर आपको याद हो मैंने सिखाया था करंट एसेट में से अगर मैं स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस कर दूं तो आ जाता है लिक्विड एसेट. पूरे चैप्टर के अंदर प्रीपेड एक्सपेंस का कहीं कोई पॉइंट होता नहीं, मतलब करंट एसेट और लिक्विड एसेट के डिफरेंस को हमेशा स्टॉक ही ट्रीट किया जाता है. अब लिक्विड एसेट तो आ गए 180, करंट एसेट कहां है? ये करंट एसेट हमने यहां लिखा था 2.5 सीएल, तो पहले करंट एसेट निकाल लेते हैं.
करंट एसेट इक्वल टू लिक्विड लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी इंटू 2.5, ये लिखा था ना 2.5 करंट लायबिलिटी, तो 2.5 इंटू करंट लायबिलिटी करोगे ये आ गया 4 लाख। एंड एज आई सेड स्टॉक इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट्स, करंट एसेट है 4 लाख, लिक्विड एसेट है 1,80,000, तो स्टॉक की वैल्यू आ गई 2,20,000। पहुंच जाइए यहां तक, करंट एसेट की वैल्यू निकालेंगे और करंट एसेट और लिक्विड एसेट का जो डिफरेंस है उसे स्टॉक मानेंगे। ठीक है, आगे और देखते हैं क्या गिवन है क्वेश्चन में। एक रिजर्व एंड सरप्लस दिया, उसका तो कुछ कर नहीं सकते, और एक गिवन है फिक्स्ड एसेट टू प्रोप्राइटरी रेशियो, एक ही ये वाली रेशियो गिवन है, लिखना ही पड़ेगा, कोई और हमारे पास रूट है नहीं। फिक्स्ड एसेट अपॉन प्रोप्राइटर फंड्स इज इक्वल टू 0.75, हद से क्या कह सकता हूं, फिक्स्ड एसेट इज इक्वल टू 0.75 प्रोप्राइटर फंड, क्या होगा ऐसा करने से, कुछ होगा लग रहा है, कुछ सोचो क्या फिक्स्ड एसेट है हमारे पास क्वेश्चन में, क्या प्रोप्राइटर फंड है क्वेश्चन में। प्रोप्राइटर फंड का मतलब क्या होता है, शेयर होल्डर फंड, मतलब शेयर कैपिटल भी होता है, रिजर्व सरप्लस भी होता है, क्वेश्चन में सिर्फ रिजर्व सरप्लस बताया, क्या कर लोगे आप उसके दम पर, कुछ भी नहीं, तो यहां फंस गए हम क्वेश्चन में आगे, बेसिकली दैट इज कॉल्ड डेड लॉक, ब्लॉक, ब्लॉक हो गए, कहीं से कोई फिगर नहीं आ रही, इसके आगे बढ़ ही नहीं सकते। याद करना मैंने, हाँ कल के लेक्चर में, कल के लेक्चर में आपको एक चीज सिखाई थी जाते जाते, कहा था कि कहीं इस चैप्टर में फंस जाओ तो बस यही एक रास्ता आपके काम में आएगा। चलते हैं आपको दिखाने के लिए, यह है वो चीज, क्या आप देख सकते हैं, मैंने स्पेशली स्टार भी लगाया था। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला आप बच्चों के सामने लिखा है, फिक्स्ड एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल, और बाद में आते आते मैं इस फॉर्मूला पर शिफ्ट हो गया था, प्रोप्राइटर फंड इज इक्वल टू फिक्स्ड एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल, और साथ ही साथ ये भी कहा था, चीख चीख कर कहा था, अगर आप पेन ड्राइव स्टूडेंट हैं और मेरी बात पर यकीन ना हो तो वो वाला लेक्चर ओपन करके वापस से देख लेना, वर्चुअल वाले हो तो मेरी बात पर विश्वास करना, मैं कह रहा हूं मतलब मैंने कल कहा था, मुझे याद है कि जब आप क्वेश्चन में फंस जाएंगे तो ये फॉर्मूला आएगा आपको निकालने के लिए उस अजीब सिचुएशन से। और प्रोप्राइटर फंड इक्वल टू फिक्स्ड एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल कैसे हो सकता है, आपके सामने बड़े क्लियर लिखे कि डेट जीरो है, उसके इर्द गिर्द एक ब्लैक बॉक्स भी बना है। अगर मैं ये मान लूं कि डेट इज जीरो तो शेयर होल्डर फंड यानी कि प्रोप्राइटर फंड इज इक्वल टू फिक्स्ड एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल, और क्वेश्चन में आपको वर्किंग कैपिटल गिवन है। तो आओ चलते हैं अपने क्वेश्चन में, लेट्स एज्यूम दैट लॉन्ग टर्म डेट इज जीरो, लेट्स एज्यूम दैट लॉन्ग टर्म डेट इज जीरो, तो क्या हो जाएगा इससे, प्रोप्राइटर फंड्स इज इक्वल टू फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, ये हो जाएगा इससे, ये हो जाएगा प्रोप्राइटर फंड इज इक्वल टू फिक्स्ड एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। अब प्रोप्राइटर फंड को तो प्रोप्राइटर फंड ही लिख दो, फिक्स्ड एसेट को मैं क्या लिख सकता हूं, थोड़ी देर पहले ही मैंने ये फाइंड आउट किया, फिक्स्ड एसेट कैन बी रिटन एज 0.75 PF, वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है जी 2,40,000 रुपीज का, सो यहां से आई कैन से PF माइनस 0.75 PF इज इक्वल टू 2,40,000, मीन्स 0.25 PF इज इक्वल टू 2,40,000, और PF आ जाएगा
9,60,000। तो ये पॉसिबल तभी हुआ अगर मैंने एज्यूम किया कि लॉन्ग टर्म डेट जीरो है, तो मेरा वो फॉर्मूला जो अक्सर होता है कैपिटल एम्प्लॉयड का, दैट कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू फिक्स्ड एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल, दैट हैज बीन यूज्ड नॉट फॉर कैपिटल एम्प्लॉयड बट फॉर द प्रोप्राइटर फंड, एंड अकॉर्डिंगली हम प्रोप्राइटर फंड यहां से निकाल चुके। जैसे ही प्रोप्राइटर फंड आया, मैं फिक्स्ड एसेट भी निकाल सकता हूं। हमने लिखा था फिक्स्ड एसेट इज 0.5 PF, तो 0.5 × 9,60,000 करेंगे बच्चे, 7,20,000 आ जाएगा। ठीक है, और प्रोप्राइटर फंड का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड। इसके अंदर क्या क्या होगा, जब क्वेश्चन में इक्विटी प्रेफरेंस के बारे में कुछ ना कहो, सिंपल शेयर कैपिटल वर्ड लिखो, नहीं तो आप इक्विटी यूज कर सकते हो। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो प्रोप्राइटर फंड है 9,60,000 इज इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स। कितनी वैल्यू रिजर्व्स की, 1,60,000। सो फ्रॉम हेयर आई कैन से शेयर कैपिटल इज इक्वल टू 8 lakh rupees। सो यहां से ये शेयर कैपिटल की वैल्यू भी मेरे पास आ गई है। तो बहुत सारी फिगर्स हैं हमारे पास बैलेंस शीट के लिखने के लिए, एंड इवन सारे क्वेश्चन में, जो पूरे क्वेश्चन में जितनी भी चीजें थी, वेदर इट वॉज अ वैल्यू और इट वॉज अ रेशियो, वी हैव यूज एवरीथिंग। तो जितना हमने कर लिया इसी के बेस पर अब हमें बनाना होगा बैलेंस शीट। नोट कर लीजिए यहां तक, एंड देन वी प्रिपेयर द बैलेंस शीट। चलिए बैलेंस शीट बना देते हैं बेटा। बैलेंस शीट एज ऑन लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट्स एंड अमाउंट। लाइबिलिटीज में लिखने के लिए क्या क्या है हमारे पास, वन वी आर हैविंग इज शेयर कैपिटल 8 lakh, वी आर हैविंग रिजर्व्स एंड सरप्लस, एज आई सेड वी हैव टू राइट डाउन द मैक्सिमम पॉसिबल डिटेल। इसके बाद मेरे पास करंट लाइबिलिटी का टोटल है, लिख दें करंट लाइबिलिटीज कितना वैल्यू निकाला था, 96,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सॉरी करंट लाइबिलिटी कितनी थी, एक पर ऊपर 1,60,000। और क्वेश्चन में आपको बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट पता है, बैंक ओवरड्राफ्ट इज वन ऑफ द करंट लाइबिलिटी, तो इनर कॉलम में जाकर लिख देता हूं बैंक ओवरड्राफ्ट कितना रुपया था, 40,000। तो बाकी क्या हो गया, अदर करंट लाइबिलिटी 1,20,000। ऑन दी अदर साइड वी आर हैविंग द फिगर ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 7,20,000, और हमारे पास है करंट एसेट की फिगर जो कि आई थी 240, 4 lakh। इस करंट एसेट में से स्टॉक की वैल्यू हमें पता थी, स्टॉक हमने फाइंड आउट किया था कितना था, 220 था क्या, देखें 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 देखें, ये स्टॉक वाज 2,20,000। तो बाकी को डाल देते हैं जी अदर करंट एसेट, कितना हो जाएगा 1,80,000। ये और ये बेसिकली इनर कॉलम की बैलेंसिंग फिगर्स हैं हमारी, और ये कर लेते हैं टोटल
11,20,000 एंड 11,20,000 गाइस, प्लीज नोट। VRL Limited has provided the following information for the year ending 31st of March 2015. Debt equity given है 2:1 और ले debt given है, ये debt का amount given है, मतलब यहां से equity आ जाएगा। GP ratio है return on equity, return on equity यहां से net profit निकालेंगे हम, क्योंकि equity की value यहां से आ जाएगी, तो यहां से net profit निकल आएगा। अब साथ साथ सोचना शुरू कर देना चाहिए इतने सारे क्वेश्चन के बाद आपको। इनकम टैक्स रेट, ये वो पॉइंट है जिसके कारण मैं आपको कह रहा हूं कि इसका रिलेशन थोड़ा थोड़ा पिछले क्वेश्चन से है। जैसे यहां से नेट प्रॉफिट आएगा, हम रिटर्न बिफोर टैक्स इक्वल टू रिटर्न आफ्टर टैक्स अपॉन 1-T वाला फॉर्मूला लगाकर टैक्स का अमाउंट निकाल सकते हैं। कैपिटल टर्नओवर सेल्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड 1.2, ओपनिंग स्टॉक है गिवन, क्लोजिंग स्टॉक है 8% ऑफ सेल, सेल का 8% करेंगे तो ये आ जाएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड P&L, ओके ओनली बैलेंस शीट तो पूछी नहीं, ट्रेडिंग एंड P&L पूछा है और अब समझ में आया कि ओपनिंग क्लोजिंग हमें क्यों दिया गया है, सो दैट हम पूरा अच्छा सा ट्रेडिंग P&L बना सकें। और जैसे ही P&L देखा तो ये भी समझ गए कि जब P&L पर पहुंचोगे ट्रेडिंग के बाद तो वहां पर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नाम की बैलेंसिंग फिगर आएगी ही आएगी। ठीक है चलो आ जाओ क्वेश्चन 22। डेट अपॉन इक्विटी इज गिवन एज 2:1, मीनिंग देयर बाय डेट इज 50 लाख अपॉन इक्विटी इज 2:1। और यहां से मैं ये कह सकता हूं कि इक्विटी जो है ना जो है ना जो है ना जो है ना 25 लाख की है। इक्विटी है 25 लाख, फिर देता है क्वेश्चन रिटर्न ऑन इक्विटी इज इक्वल टू 50%। रुको रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला लिखें पहले, फॉर्मूला तो वैसे होता है इसका, अर्निंग्स फॉर इक्विटी होल्डर्स डिवाइड बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स मल्टीप्लाई बाय 100। वैसे तो भाई ये फॉर्मूला होता है, लेकिन अर्निंग फॉर इक्विटी होल्डर आता कैसे है? बेसिकली अर्निंग आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस प्रोफरेंस तो है नहीं, तो ये अर्निंग आफ्टर टैक्स ही हो जाता है, मीन्स नेट प्रॉफिट और आई में से अर्निंग आफ्टर टैक्स। और ये कितना गिवन है अपने को 20 नहीं, ये कितना गिवन है भाई 50% इज इक्वल टू अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन इक्विटी, इक्विटी की वैल्यू निकाले ना अभी 25 लाख। सो फ्रॉम हियर ईएटी कैन बी सेट टू बी 12,50,000, ईएटी आ गया जी 12,50,000। नोट कर लो काका, ईएटी मतलब नेट प्रॉफिट। और रिटर्न ऑन इक्विटी आ गया, सो आई कैन से ईबीटी इज इक्वल टू ईएटी अपॉन 1-T, 12,50,000 अपॉन 1-, टैक्स रेट कितना है भाई 35%, 1-0.35। और टैक्स से इसका 35%, $673,077। बेटा ये आराम से यहां तक नोट कीजिए,
ठीक है बेटा, यहां तक हो गए टैक्स वाले पॉइंट तक। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन में। तो थोड़ा सा ब्लॉक लग रहा है, जीपी रेशियो सेल्स के ऊपर निकलेगा, फिर क्या क्लोजिंग स्टॉक ये भी सेल के ऊपर, रेशियो बची कैपिटल टर्नओवर रेशियो, देखते हैं क्या हो सकता है इससे। कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है सेल्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है आप बच्चों को, 1.2। और कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या आता है, डेट और इक्विटी दोनों ही चीजें हमारे पास हैं। डेट हमें गिवन था और इक्विटी हमने सबसे पहले निकाल लिया था। सो सेल्स अपॉन डेट प्लस इक्विटी, डेट कितना था 50 लाख, इक्विटी हमने निकाली थी 25 लाख, इज इक्वल टू 1.2। फ्रॉम हियर सेल्स विल बी इक्वल टू 75 लाख इंटू 1.2, 90 लाख रुपीज। ये लीजिए सेल्स आ गया 90 लाख, और अब इजीली 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 हम आगे बढ़ सकते हैं। आगे आसान है इसलिए मैं नहीं रुक रहा, आप नोट करते जाइए मेरे साथ, पहुंच जाइएगा। जीपी रेशो 30%, सो जीपी आ जाएगा सेल्स इंटू 30%, 27 लाख। क्लोजिंग स्टॉक इज 8% ऑफ सेल, दैट मीन्स 7,20,000। पहुंचो 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 मेरे साथ, कैपिटल टर्नओवर लगाओ, सेल्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल एम्प्लॉयड होता है डेट प्लस इक्विटी। तो वहां से सेल्स की वैल्यू आ गई 90 लाख, और जैसे ही सेल्स आ गया, जीपी और क्लोजिंग स्टॉक दोनों हमने फाइंड कर लिए। जीपी है, क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। क्या सीओजीएस निकाल सकते हैं, सेल्स माइनस जीपी? सर सीओजीएस क्यों निकाल रहे हो? वही परचेज की वैल्यू निकाल लेंगे ना, ट्रेडिंग पैनल बनाने के लिए बोला, तो ट्रेडिंग में परचेज लिखना होगा। एंड वी नो सीओजीएस इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, सो 63 लाख इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक 4,50,000 प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक विच वी फाउंड एज 720। परचेजेस की वैल्यू आ जाती है 65,70,000। ये लो जी क्वेश्चन डन हो गया पूरा, बस ट्रेडिंग पीएनएल के फॉर्मेट में डालने, वैल्यूज को भी डाल देंगे। सो लेट अस प्रिपेयर द ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट नाउ। ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट ऑफ वी आर ए लिमिटेड फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, कम ऑन गाइस। टू ओपनिंग स्टॉक 4,50,000, टू परचेजेस 65,70,000, बाय सेल्स
90 लाख बाय क्लोजिंग स्टॉक 7,20,000 टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्वेंटी सेवन लैख, ये हमने पहले भी फाइंड किया हुआ है। टोटल टोटल बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्वेंटी सेवन लैख टू 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 डिबेंचर इंटरेस्ट। क्वेश्चन में डेट गिवन है 50 लाख और रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 14%, 7 लाख टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये तो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। टू इनकम टैक्स, ये हमें पता है, हमने निकाला था ये बैलेंस 673,077। टू नेट प्रॉफिट, ये भी हमने निकाला था 12,50,000। टोटल है 27,27,00,000 माइनस 7 लाख, माइनस 673,077 और माइनस 12,50,000। हेलो मित्रों, नोट कर लो,